नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री अपडेट में। आज एक नई अपडेट के साथ आपके पास पहुंचा हूं। आज हम बात करेंगे जो सीधी धान की तकनीक है, सीधी बिजाई धान की, उसके बारे में बात करेंगे। DSR हर्बल हाइड्रोजेल टेक्नोलॉजी, जो एक इम्प्रूवड DSR टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हम आज बताएंगे। किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा सरकार और कृषि विभाग जो जल ही जीवन स्कीम लॉन्च कर रही है, पानी को बचाने के लिए, भूमिगत पानी को बचाने के लिए, और इसके लिए सरकार 5,000 रुपये मक्का या अरहर के लिए दे रही है। उसके साथ किसान भाई जो मक्का और अरहर की बिजाई नहीं करना चाहते, और जो 5,000 की सब्सिडी आप लेना भी चाहते हो, तो आप धान की बिजाई आप सीधी विधि से कर सकते हो किसान भाई। उसके लिए भी सरकार 5,000 रुपये पर एकड़ का आपका उसका अनुदान दे रही है। उसके लिए आप 5 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की साइट पर कर सकते हैं। किसान भाई, ये कुछ डीप प्लॉट्स हमने कई सालों से जो DSR के लगवा रहे हैं किसान भाइयों के खेत में, वो सब कुछ फ़ोटोज़ आपके दिखाने, तो किस प्रकार से एक अच्छी पैदावार किसान भाई ले सकते हैं। तो हम बात करेंगे पूरी क्या है प्रक्रिया, किस प्रकार से इसकी बिजाई होती है और क्या क्या रहेगा। तो हम खेत की तैयारी से लेकर गहरी जुताई के बाद सिंचाई करें और अच्छी बत्तर में इसकी बिजाई करें। किसान भाइयों, एक ध्यान रखना है कि आपने जो बिजाई करनी है मई के दूसरे पखवाड़े में शुरू करनी है, क्योंकि इसके लिए जो बिजाई के लिए 10 से 15 दिन का जो सूखा मौसम होना बहुत ज़रूरी है। समय उसके बाद करें बीज की बात, 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ होना काफ़ी है। बिजाई के लिए आप 10 किलोग्राम बीज का उपचार हमें करना है, 10 ग्राम कार्बेनिजम वेबेस्टन या एमिसान और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइकिन 10 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए आपने भिगोना है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह में सुखा के आपने इसकी बिजाई करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे विधि की। आप इसको बत्तर के जो पलेवा के अच्छी बत्तर करने बाद ड्रिल से बिजाई कर सकते हो या छींटा विधि से ही बिजाई सकते हो। एक आपने ध्यान रखना है, जो लाइन से लाइन की दूरी 8 से 9 इंच रखने और गहराई 2 इंच से ज़्यादा हमने नहीं रखनी है छींटा विधि में किसान भाई। उसके बाद हल्का सुहागा जरूर लगाएं। तो किसान भाई, हम बात इसके बाद हम टूटते हैं उसका सिंचाई का। सिंचाई में पहले सिंचाई आप 10 से 15 से 20 दिन बाद कर सकते हैं मिट्टी के आधार पर, और आपने सिर्फ 15 दिन के अंतराल पर पानी देना है बारिश के आधार पर। पहले सिंचाई के तुरंत बाद अगर हमने कोई पौधा कहीं पर नज़र आता है तो उसको उधर से निकाल के आप उसको दूसरी साइड से निकाल के रिप्लेस कर सकते हो इस प्रकार से, या आपने बेमौसम बारिश से करंट हो गई है ज़मीन, उसको तोड़ने के लिए आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद हम इस पर आते हैं कि किस प्रकार से हमने खाद का देखभाल करनी है। खाद के लिए 30 किलोग्राम DAP, आपने 10 किलो जिंक सल्फेट, 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 6 से 8 किलोग्राम जो गूंद की तीरा है प्रति एकड़ आपने बिजाई के समय देना है। पहली सिंचाई आपसे 15-20 दिन बाद, दूसरी सिंचाई 40 दिन बाद के हर बार आपने 30-30 किलो यूरिया फसल में देना है। किसान भाई, आप जानते हो कि जो आयरन की कमी इस सीधी बिजाई में आती है, उसके लिए आप 0.5 1% आयरन फेरस सल्फेट का छिड़काव फसल में 2 दिन बाद कर सकते हो। अब आदिवासी मेन मुद्दा है आपका खरपतवार का। किसान भाइयों, खरपतवार के लिए आपने जो ट्रेडिशनल विधि साइड है उसका भी देखो आप किस प्रकार से आप फोटो में देख रहे हो। इसके लिए आपने जो बिजाई के तुरंत बाद 1.5 लीटर स्टॉम्प पेंडामेथन प्रति एकड़ का आपने 200 लीटर पानी में छिड़काव करना है। वो किसान भाई आपने बैक से आते हुए करना है कि ताकि जो फिल्म लेयर है उस ज़मीन पर बने। उसके बाद अधिक आपके खरपतवार हैं उसके लिए आप नोमनी गोल्ड प्लस साथी उसका आप स्प्रे कर सकते हैं भाई 30 दिन के बाद। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो बीमारियों और कीट की। अनुमोदित मात्रा में आपने स्प्रे करना है। तना गलन बचाव के लिए 7 से 8 किलो कारटिप प्रति एकड़ को 10 किलो आप रेत मिलाकर उसका 4.5 दिन की फसल में आप छिड़काव करते हो। अब मैं बात करूंगा जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था उसमें क्या एक उसमें है, जो बीज को आपने गूंद के तीरा पाउडर से लेपित करना है। किसान भाई, अब जैसे जो नई तकनीक की बात करूँ तो इस तकनीक में 50 किलो बीज के लिए 1 लीटर उबलते पानी में आपने 250 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम किक्कर बबूल की गोंद आपने लेनी है और एक तार आपने चाशनी बनानी है उसकी। फिर उस चाशनी को ठंडा करके छानकर बीजों के ऊपर छिड़काव करना है, उसको चिप्स पर बनाना है। इसके लिए आप दूसरा दिमक की जहाँ प्रॉब्लम है, दिमक के लिए 1 ml आप क्लोरोफेलफोस लेनी है। फफूंदी के लिए 2 ग्राम बावेस्टन और 0.1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइकिल प्रति किलोग्राम बीज की आपने इसका उपचार करना है। तब चिपचिपे जो बीज है 10% 10 किलो बीज पर 1 किलोग्राम गूंद के तीरा का पाउडर चारा ग्रेड पशुओं वाला छिड़कर आपने हाथ के घुमाने मशीन के साथ अपने साथ से मिलाकर 4 से 6 घंटे आपने छाया में सुखा के उसकी बिजाई करनी है। तो किसान भाई, कुछ हमारे पिछले साल के जो डीप लोड्स थे उसकी अच्छी पैदावार किसान भाइयों को मिली है, और जो पानी बचाने की जो मुहिम है उसमें बड़ा ही योगदान उन्होंने दिया है।
ये कुछ मैं फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे पॉपुलर की खेती होती है, वहाँ के जो बीज का स्पेसिंग है वहाँ पे भी एक अच्छी DSR की पैदावार किसान भाइयों ने ली है। तो किसान भाइयों कैसा लगा आपका वीडियो, ज़रूर कमेंट करें, बताएं, जो भी इसमें प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसका कोशिश करेंगे सॉल्यूशन कर पाएँ। धन्यवाद किसान भाइयों।